दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की एक ऐसी दशा क्यों हुई है और यूनिवर्सिटी के साथ जो इतना बड़ा बवंडर हो गया है उसका कौन जिम्मेदार है और आगे चल के चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या है और जो बच्चे वहां पर से पढ़ रहे हैं उनका भविष्य आने वाले वक्त में किस तरफ क्या करवट लेगा। इस वीडियो में हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में जिसके लिए मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ा और ताकि ये नॉलेज आप लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए। गाइज, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, CRSU, कुरुक्षेत्रा, बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है पिछले एक महीने से हर यूनिवर्सिटी की बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो है ना काउंसलिंग चल रही है, यानी कि बीएड के एडमिशन क्या है हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी को बच्चों ने एक इतना बड़ा झटका दे दिया है जिसके कारण उसकी जो उसका जो एक पूरा का पूरा जो नेक्सस है, एक पूरा का पूरा जो एक वर्क करने का जो तरीका है वो धराशायी हो गया है। मैं बात ये कर रहा हूं कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो सीट है वो 16,000 के आसपास है और आप जानकर बहुत हैरान हो जाओगे गाइस कि उसमें से मात्र 2400 बच्चों ने 2400 समथिंग कुछ बच्चों ने क्या है उसमें एडमिशन के लिए आवेदन किया, यानी कि 2500 बच्चे 16,000 में से भी 2500 बच्चों ने क्या है उसके लिए आवेदन नहीं किया। आखिर क्या कारण था, क्या ऐसी दिक्कतें हो गई कि बच्चों का मोह बिल्कुल भंग हो गया है और कोई भी गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या आउट ऑफ दिल्ली के जो बच्चे आते हैं, दिल्ली NCR के जो स्टूडेंट यहां पर पिछले कई साल से अपनी बीएड कर रहे थे उनके साथ अचानक क्या हो गया कि भाई यूनिवर्सिटी के साथ इतना बड़ा क्या खिलवाड़ हो गया। देखिए, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, इस जो भी चीजें यूनिवर्सिटी के साथ हो रही हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी भी बाकी यूनिवर्सिटी की तरह गाइस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इनको काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही पुराना और बहुत ही ढीला रवैया है जिसके कारण क्या बच्चों को काफी दिक्कतें प्रॉब्लम आई। अब यूनिवर्सिटी में इतने कम बच्चों ने आवेदन क्यों किया है उसका जो है पूरा का पूरा DNA हम लोग करेंगे कि भाई कारण क्या है और रीजन क्या रहे। सबसे पहले तो गाइस देखिए, सुनने में ये आता है कि जितने भी स्टूडेंट चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करते हैं भर भर के रीअपीयरमेंट जो है यूनिवर्सिटी बच्चों को देती है ताकि एक भारी भरकम अमाउंट क्या है बच्चों के सर पे लादा जा सके जिससे यूनिवर्सिटी की जो कमाई है वो दूसरे हाथ से बढ़ सके, जिसके कारण काफी बच्चों में हर टाइम क्या आक्रोश रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई इतनी ज्यादा कंपार्टमेंट या रीअपीयरमेंट बच्चों को क्यों दी जा रही है। दूसरा क्या है कि जब बैचलर ऑफ एजुकेशन के बाकी किसी और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, MDU है, आपका कुरुक्षेत्रा है, बंसीलाल है, देवीलाल है, मीरपुर यूनिवर्सिटी है, उन सबके रिजल्ट बहुत टाइम पे आते हैं, अब तक जो है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो अब तक अपडेट नहीं किया है जिसके चलते बच्चों का जो है मन जो है पूरी तरह से विचलित हो चुका है कि इस यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार के क्या बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू क्या अपना कॉमेंट्स, अपनी वीडियो, अपनी चैट क्या डालते रहते हैं। अगला जो सबसे बड़ा जो कारण निकल के आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के पास भारी स्टाफ की कमी है जिसके तार ना तो टाइम से बच्चों के एग्जाम चेक हो पाते हैं ना इनके टाइम से प्रैक्टिकल कंडक्ट कर पाते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को क्या आ रही है, जहां पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, बाकी और यूनिवर्सिटी है वहां पर बच्चों का परसेंटेज बहुत अच्छा बनता है और यूनिवर्सिटियों में और CRSU में भी हद मार के बच्चे का कितनी भी बच्चा मेहनत कर ले 60% से ऊपर जो है परसेंटेज मैंने बहुत ही कम अपने कैरियर के अंदर देखा है। तो इतनी सारी जो खामियां हैं वो यूनिवर्सिटी अपने सर पर इसका बोझ ढो रही है और कोशिश कर रही थी कि सबसे मैक्सिमम जो एडमिशन है हम लोग ही करते हैं, जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी की एक गलत क्या है सोच थी। अब इस सोच का नतीजा क्या हुआ है कि बच्चों ने बिल्कुल भी मन मोड़ लिया कि भाई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना।
अगर मैं आपको ये सारा का सारा जो वीडियो बता रहा हूं, एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी वीडियो के साइड में आपको दिख रही होगी कि भाई मैं ये सारी की सारी बातें क्यों बोल रहा हूं। तो गाइज देखिए, बिल्कुल बात सही है और डेफिनेटली अगर इस प्रकार का यूनिवर्सिटी का रवैया अगले 6 महीने 1 साल रहा तो जो 2400 बच्चे 16000 में से जिन्होंने आवेदन किया है बीएड में एडमिशन लेने के लिए, मेरे हिसाब से घट के वो 500 पर आ जाएंगे। तो ये एक दुर्गति की वाली कंडीशन है जो यूनिवर्सिटी को बहुत दिक्कत करती है। आप लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर मात्र जितनी भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का जो कमाई का एक साधन है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है। आपको पता है कि टोटल 60,000 के आसपास पूरे हरियाणा के अंदर कंप्लीट बीएड की सीट है और हरियाणा से बाहर के जो स्टूडेंट है वो हरियाणा के अंदर बीएड करने आते हैं, चाहे वो एमडीयू है, चाहे सीआरएसयू है, चाहे आपकी कुरुक्षेत्र है, चाहे सीडीएलयू है, चाहे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या है, अपना काफी खर्चा क्या है बीएड की फीस से ही निकालते हैं, जो हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है और यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छा है। पर जब चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी इस प्रकार का कार्य बच्चों के साथ कर रही है, ना उनका कभी एग्जाम टाइम पे ले रही है, ना कभी प्रैक्टिकल टाइम पे ले रही है, इतनी ज्यादा रीअपीयरमेंट दे रही है बच्चों से, तरह तरह के अमाउंट ले रही है, तो इन सब चीज के चलते ना बच्चों ने अपना आक्रोश दिखाया है और कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में यह चीज थी भाई हम जो है थोड़ा सा चार्ज ज्यादा दे देंगे एमडी यूनिवर्सिटी में या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटी में, पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में क्या है हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। ये बच्चों ने क्या साफ संकेत दिए हैं। अब देखने वाली आगे ये बात है कि काउंसलिंग कितनी लंबी और चलती है और 16000 में से मैक्सिमम कितनी सीट यूनिवर्सिटी अपने बलबूते भर पाती है और क्या दोबारा से बच्चों का विश्वास जीत पाएगी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है और करना भी बहुत कठिन है। अब ये सारी के सारी जो परिस्थितियां हैं वो यूनिवर्सिटी के वीसी पर, कंट्रोलर पर और वहां के जो रजिस्ट्रार हैं उन पर डिपेंड करती हैं कि कैसे अपनी कमियों को जो है उजागर करके एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कोई इस प्रकार का गलत बिहेव ना हो और भविष्य के साथ इस प्रकार की जो खिलवाड़ है बच्चों के वो नहीं होनी चाहिए। होप ये वीडियो, अगर कोई भी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का जो है मतलब वीसी है या कंट्रोलर है, एग्जामिनर है, वो देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सर अभी भी थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया करो ताकि इस प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। एक स्टेट गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है, जो इसका एक लेवल है उसको प्लीज मेंटेन करके चलो ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे यहां पर आए और पढ़ के क्या है पास आउट होकर चले जाएं ताकि यूनिवर्सिटी को भी बेनिफिट हो और जो रेवेन्यू बढ़ता है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसमें भी इजाफा हो। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो